दोस्तों रविचंद्रन अश्विन पहले ऐसे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने की बाप और बेटे को एक साथ में आउट करके एक नायाब इतिहास रच दिया है। आपको बता दूं भारत और वेस्टइंडीज के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन सबसे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया और उसके बाद में रविचंद्रन अश्विन की जैसे ही बॉलिंग आई वेस्टइंडीज की पूरी टीम उनके सामने धराशायी होनी शुरू हो गई। सबसे पहले सलामी बल्लेबाज तेग नारायण चंद्रपाल जिन्हें की रविचंद्रन अश्विन ने 13वें ओवर में अपने जाल में फंसा लिया और 5वीं गेंद पर उन्होंने डिफेंस करने के चक्कर में वो बोल्ड हो जाते हैं। चंद्रपाल यहां पर 44 गेंदों के अंदर मात्र 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अश्विन ने जैसे ही चंद्रपाल का विकेट लिया उसी के साथ में उन्होंने एक हिस्ट्री बना दी। आपको बता दूं अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर बाप और बेटे को आउट करने का ये रिकॉर्ड बना दिया है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। दरअसल चंद्रपाल से पहले उनके पिता शिव नारायण चंद्रपाल को भी अश्विन आउट कर चुके हैं। अश्विन ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शिव नारायण चंद्रपाल को पवेलियन की राह दिखा दी थी। ये बात है 2011 की जब दिल्ली में खेले गए टेस्ट मैच के दौरान शिव नारायण चंद्रपाल को LPW करके आउट कर दिया गया था। शिव नारायण चंद्रपाल भी काफी शानदार बल्लेबाज थे जिन्होंने की वेस्टइंडीज के लिए 164 टेस्ट मैच खेले जिनमें उन्होंने करीब 11,800 से भी ज्यादा रन बनाए और 268 वनडे मैच जहां पर उन्होंने 8,700 से ज्यादा रन बनाए। वहीं पर दोस्तों उन्होंने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट 1994 से लेकर 2015 तक एक्टिव रखा और दोस्तों कल के मैच में ही अश्विन ने 5 विकेट लेकर सभी को चौंका कर रख दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये जो टेस्ट मैच है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का ये किसकी तरफ ज्यादा जा रहा है, यानी इंडिया जीतेगा या फिर वेस्ट इंडीज, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।